नितिन गडकरी के बयान के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हरकत में है और आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से इस तरह की तख्तियाँ लिए सड़कों पे आपको नजर आएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि कृपया गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे यात्री जो है वो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और साथ में चालान भी यहाँ पर काटा जा रहा है और आगे आपको दिखाएं तो लगातार जो है ये सिलसिला यहाँ पर बारहखंबा रोड पर फिलहाल जो है वो चल रहा है। और पहले से नियम का हिस्सा रहा है कि 1000 रुपये का चालान आपको देना पड़ेगा अगर आप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो इसी को लेकर फिलहाल जो है मुहिम जो है वो ट्रैफिक पुलिस चला रही है और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो रोकी जा रही है, पीछे बैठे लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो सीट बेल्ट नहीं है इनके पास और ये चालान जो है ये चालान इस तरीके से चालान काटा जा रहा है। कितने का चालान कटा सर? सर मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। कितना रुपये का है? 1000 रुपये का जाते जीरो बैलेंस में निकाल 1000 रुपये का 1000। और आगे से क्या कहेंगे, मतलब सर बैठे रहेंगे? अब बोलूंगा सर उनको। क्या बोलेंगे? सीट बेल्ट लगाना जरूरी है आगे से बोलेंगे जी। तो अभी ये लोग नहीं लगाए हुए थे, अब तो लगा के चलेंगे? मैं तो लगाया हुआ था सर जी। पिछली सीट पे पीछे नहीं लगे हुए थे? नहीं लगे हुए जी। तो अगली बार से ये ख्याल रखेंगे आप? जी सर। इस तरीके से चालान जो है आप देखिए कि इस तरीके से चालान की कॉपी जो है वो आपको नजर आ रही होगी और लगातार उन लोगों को रोका जा रहा है जो लोग गाड़ी की पिछली सीट पर तो हैं लेकिन जिन्होंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ जी, ये सीट बेल्ट नहीं लगा रखा क्या? हाँ पता नहीं था और यहाँ पर टर्न के ऊपर मैंने देखा ये बोर्ड लेके खड़े हुए थे, उसी टाइम मैंने बेल्ट लगाने की कोशिश करी तो उसी टाइम मुझे रोक लिया। चलाना थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन दे या एक बार वार्निंग देनी चाहिए कि यू नो कि एक बार रोक दें तो नेक्स्ट टाइम के लिए कि सीट बेल्ट लगाएं, इमीडिएटली चलान नहीं करना चाहिए। अब अगली बार से ख्याल रखेंगे? हाँ हाँ ऑब्वियसली, तो सबके लिए यही है ध्यान रखें, बट दे शुड गिव अ चांस, एक बार चांस देना चाहिए, जो जिन लोगों का अवेयरनेस नहीं है एटलीस्ट वो अवेयर हो जाएंगे। राकेश नेगी, राकेश जी क्या कहेंगे, अभी बताने के बाद आपने सीट बेल्ट लगाई है तो चालान भी हो रहा है, जानकारी थोड़ी पहले देनी चाहिए ज़्यादा ताकि अपनी परिवर्तन भी कर सकें गाड़ी में, ताकि उसमें जगह भी बने क्योंकि वो हुक दबा हुआ होता है तो हुक भी बाहर नहीं होता है जहाँ पे फिट करते हैं सीट को बेल्ट को, तो थोड़ी जानकारी पहले बढ़ा सकते हैं उसके बाद ये चालान शुरू कर सकते हैं। कुछ दिन तो पहले जानकारी का पहले फैलाव ज़्यादा करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट शुड हैपन फर्स्ट सो दैट मोर एंड मोर पीपल आर यू नो गेट टाइम टू मेक द चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल एज वेल एज इन दिस फिजिकली इन द सीट्स एज वेल, बिकॉज सीट्स में वो अंदर दबा हुआ होता है तो हुक ही बाहर नहीं होता तो कैसे लगाएंगे। मेरा नाम हबीब है जी। हबीब नाम है। हबीब जी, हबीब जी क्या कहेंगे, आपकी कमर्शियल टैक्सी है तो क्या आगे से, अभी तो चालान कट गया 1000 रुपये जी, ठीक है तो आगे से क्या करेंगे, मतलब पैसेंजर्स को बोलूँगा लेकिन ये उसके लिए नहीं सबके लिए होना चाहिए ना जी। अब जैसे कि हम चला रहे हैं गाड़ी, वैसे तो गाड़ियाँ और भी हैं, इनके पास सोर्सेज का नाम है, इनके पास पावर का नाम है, मैन पावर है, लेकिन सिर्फ यही इलाका नहीं है और भी है, एक एक्सीडेंट की वजह से वो जो सारे मिस्त्री की जो डेथ हुई है ये इसी वजह से, उससे पहले कहना जो रोड भी तो क्या नाम है इतने क्या नाम है ख़राब है, उनको कहना नहीं देखेंगे नितिन गडकरी जी। तो क्या आप आगे से अपने पैसेंजर्स को लेके, क्योंकि कमर्शियल टैक्सी है तो आगे से किन बातों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि 1000 रुपया तो लग गया है जी। वो तो लग गया 1000 रुपये तो कोई बात नहीं, वो तो भर लेंगे, लेकिन पैसेंजर्स को बोलना पड़ेगा आगे से नेक्स्ट टाइम से कि जी अगर चलान होता है तो वो देखेंगे, हम नहीं देखेंगे इस बात को। अभी आपको भरना पड़ा है? ये तो मुझे भरना पड़ेगा ना जी। आपको भरना पड़ेगा जी और क्या, क्योंकि आपने नहीं बताया था शायद ये लोग ये कह रहे हैं। नहीं ये लोग नहीं कह रहे, पहली बात तो इनको सही तरह से पूरी दिल्ली में या पूरी ऑल इंडिया में सही तरह से इनको सबको कहना चाहिए, बताना चाहिए, किसी को पता है, मेरे ख्याल से 95% लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में, 5% लोग जिन्हें पता होगा इसके बारे में, और कुछ नहीं सकता मैं इसके अलावा। तो मतलब आगे से क्या कहेंगे अपने पैसेंजर्स को एक बार फिर? पैसेंजर को मैं यही बोलूँगा जी सीट बेल्ट लगा लीजिए पीछे वाली, अगर अगर वो लगाते तो ठीक है, नहीं तो मैं कैब उसकी जो राइड है वो कैंसिल करनी पड़ेगी मेरे को। आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं है ना? सीट बेल्ट है, निकाल रखा है। नहीं वो टोशन कराया था तो निकाला था, फिर लगवा देंगे, फिर लगवाएंगे। हाँ। साथ में पैसेंजर को क्या बोलेंगे, आपकी कमर्शियल गाड़ी है? हाँ तो आगे से हम लोग सीट बेल्ट लगा के फिर उसके बाद गाड़ी चलाएंगे, कस्टमर बैठने के पहले बोलेंगे सीट बेल्ट लगा लो। साइरस मिस्त्री की डेथ के बाद ये मुद्दा गरमाया कि पिछली सीट पर वो बैठे हुए थे, उनकी मौत हो गई उस हादसे में, उनके अलावा एक और आदमी की मौत हुई जब वो लोग गुजरात से मुंबई आ रहे थे, पालघर के पास दुर्घटना हुई और सीट बेल्ट नहीं लगे होने की वजह से एयर बैग्स भी पीछे में नहीं खुले। और अब जो है
नितिन गडकरी ने जब कहा, हालांकि नियम का हिस्सा पुराने वक्त से है, लेकिन जब ये कही गई बात, तो उसके बाद से ये जो है राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार जो है आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे इस प्रक्रिया को, इसकी शुरुआत जो है, इस मुहिम की शुरुआत जो है वो ट्रैफिक पुलिस से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो गई है और लगातार चालान काटने का सिलसिला जो है शुरू हो रहा है। कुल मिलाकर आपकी सुरक्षा का भी सवाल है और साथ में इस बात को लेकर भी कि नियम कायदे कानून को लेकर भी आप बेपरवाह न हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।